हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट पेपर 2023। आज हम इसके 36 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अवर्ड विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सर्फेस आफ्टर 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सर्फेस इज। ये रिवर है हमारी और रिवर से जो ब्रिज की हाइट है वो हमने एच ले ली और वर्टिकल वेलोसिटी से किसी बॉल को थ्रो किया गया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उसको हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो, जब बॉल नीचे आएगी तो निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करेगी, तो एस की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस एच इजकल टू जो अपवर्ड डायरेक्शन है वॉल की और उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको पॉजिटिव लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लग रहा है 4। अब एक ही जगह माइनस जी पुट करेंगे तो माइनस जी 1/2 और टी कितना है 4 इंटू 4। तो क्या होगा हमारा, माइनस एच इजकल टू 16 माइनस कितना हो जाएगा, अगर जी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं और 2 से ये कैंसिल आउट कर दे, 2 4 8, तो हमारा क्या होगा 10 इंटू 8। माइनस एच इजकल टू कितना होगा 16 माइनस 80, तो माइनस एच इजकल टू हमारा होगा -64। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एच इजकल टू हमारा 64 निकल के आएगा। देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर शोन हेयर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्बिनेशन की हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। देखते हैं हम देखिए, ग्राफ हमारा इस तरीके से है। अगर हम इस पोर्शन को लेंगे तो हमारा इस तरीके से शेप बनेगी। कहने का मतलब, इसका रिफरेंस इंडेक्स कितना है 1.6, तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में रिफरेंस इंडेक्स कितना है हमारा 1.6। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, इस सरफेस के लिए आर कितना हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट और इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गिवन है हमें। तो 1/f = n-1 (1/r1-1/r2) को हम फॉलो करेंगे फॉर्मूले को। तो 1/f1 = क्या होगा, n कितना हमारा 1.6 - 1 = r1 कितना इनफाइनाइट 1/infinite माइनस, और इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कितनी होगी 20 - 1/20। जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है -3/100। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में ही हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनेगा और इसका रिफरेंस इंडेक्स कितना है 1.5। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f2 = (n = 1.5 - 1)। इसकी जो सरफेस की कर्वेचर एरिया होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी क्या होगी, नेगेटिव। तो 1/20 - -1/20 (close). तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2/20 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1/20। अब थर्ड के लिए भी देखिए, एक कर्व सरफेस एरिया ये है और एक ये है। तो इसके लिए भी हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से ड्रॉ होगा। इसका रिफरेंस कितना 1.6, तो 1/f3 पहले की तरह ही हमारा कितना आ जाएगा -3/100। अब हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। 1/f1 कितना था हमारा -3/100 प्लस 1/f2 कितना था 1/20। 1/f3 कितना था -3/100। एलसीएम लेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1/100 और एफ इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻¹⁰ m। व्हाट इज द रेडियस थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनर मोस्ट हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो कितनी है 5.3 × 10⁻¹⁰ m और इसकी थर्ड की फाइंड करनी है हमें कितनी होगी। देखिए, r1 हमारा कितना गिवन है 5.3 × 10⁻¹⁰ m। n1 = हमारा 1 है और r2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और n2 हमारा कितना है 3। तो रिलेशन क्या होता है हमारा, r1/r2 = (n1)²/n2²। r1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 5.3 × 10⁻¹⁰ r2 = (n1) कितना है 1, n2 कितना है 3, तो 9 हो गया।
9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा R2 निकल के आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 4.77 एंगस्ट्रॉम। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉनकेव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा। देख लेते हैं कैसे। देखिए कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 एफ टू फर्स्ट हमारा कॉन्वेक्स है, सेकंड कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में लेंगे तो 1/f = 1/f - 1/f बनेगा, तो 1/f = 0 बनेगा, एफ हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड टी इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल द क्वांटिटी 3π/gd रिप्रेजेंट। जो हमारा 3π/gd है वो किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो t = क्या होता है 2π√r³/gm, तो √2π√r³/g। मास को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3π√r³/d। जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो t = हमारा हो जाएगा √3π/gd। अब हमें 3π/gd का रिलेशन टाइम पीरियड में फाइंड करना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ t² हो जाएगा √3π/gd का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3π/gd हमारा क्या फाइंड आएगा, यहाँ से निकल के आएगा t². कहने का मतलब अंडर रूट से और स्क्वायर कैंसिल, तो t² = क्या होगा 3π/gd। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा t². देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन हमारा करेक्ट है 4th, t². थैंक यू फ्रेंड।